नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मूंग की ऐसी वैरायटी जो कि किसान साथियों को लखपति बना सकती हैं और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन जिनमें आ रहा है। और आज हम हैं एक ऐसी फील्ड पर जहां पर बहुत सी वैरायटियां मूंग की लगाई गई हैं, तो हम उन किसान साथी से भी मिलाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिकली अनुभव और प्रैक्टिकली जानकारी देंगे कि उनने कौन सी वैरायटी कब लगाई थी, उसमें कौन कौन सी समस्या आई, कौन सी वैरायटी बेस्ट है। तो एक वैरायटी के ऊपर, मूंग की फसल के ऊपर एक काफ़ी शानदार वीडियो आज आपको मिलने वाला है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो मूंग का प्लॉट है, यह करीबन 10 एकड़ का मूंग का प्लॉट है। और यहाँ पर मूंग की जो वैरायटियाँ हैं वो 3 से 4 वैरायटियाँ लगाई हुई हैं। तो हम उन किसान साथी से मिलाएंगे सबसे पहले जिन्होंने यह वैरायटी लगाई हैं, और उनसे पूछेंगे कि कौन सी वैरायटी कब लगाई है और क्या क्या उन्होंने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस किया है और कौन सी वैरायटी बेस्ट है। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। तो किसान साथियों, हमारे साथ हैं, आज हम नरसिंहपुर के पास में चीता पार्क के पास में एक ग्राम में हैं और हमारे साथ में एक किसान साथी हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दीजिएगा हमारे किसान दर्शकों को। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोनेश कुमार कौरव, ग्राम रीछा से, नरसिंहपुर जिले के। अच्छा सोमेश जी, आप हमें बताएं कि आपने अपने खेतों में मूंग की कौन कौन सी वैरायटियां लगाई हैं अभी। जी मैंने ये हमसोला वैरायटी है एक जी, और 2 एकड़ में लगाई हुई है। उसके बाद ये तलवार है, 3 एकड़ में तलवार है। अच्छा। और 2 एकड़ में पीडीएम है, डीएम 139। अच्छा, तो आपने इनकी बुआई कब की थी? मैंने इसकी बुआई 27-28 मार्च को की थी और एक पानी 4 अप्रैल को कंप्लीट हो गया था, इसमें उग आई थी 4 अप्रैल में। तो अपन कंपेयर करें कि 4 तारीख को आप 4 तारीख से भी लगाते हैं तो करीबन 55 दिन हो गए हैं और 60 से 65 दिन में यह मैच्योर हो जाएगी कटाई के लिए। तो यह वैरायटी आपने कौन सी बताई थी भाई साहब? ये तलवार वैरायटी है। ये देखिए किसान साथी, यह मूंग की तलवार वैरायटी है। इसका जो ये तलवार जैसी बिल्कुल, देखिए कितनी शानदार वैरायटी है। इसका पौधा देखिए, सबसे पहले तो आप बोल्ड दाना है और पौधे में बहुत सी शाखाएं निकली हैं, हराव भी अच्छा है और फली की जो साइज है वो लंबी फली है और दाना बोल्ड है और इसमें 12 से 15 दाने तक की फली आ रही है। तो इसने यह वैरायटी आपने अभी पहली बार ही लगाई है कि पहले से लगाते रहे? हाँ जी, मैंने पहली बार लगाई है। अच्छा, यह वैरायटी हाँ। पहली बार ही लगाई है। तो इसका अपन औसतन एवरेज यदि काउंट करें और कंपेयर करें तो इसका औसतन एवरेज प्रति एकड़ के हिसाब से क्या आ सकता है? अब ये तो हार्वेस्टिंग होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी यह देखिए इसका दाना काफ़ी शानदार है। अच्छा सोमेश जी, आप ये बताएं कि आप मूंग की खेती जो है वो कितने वर्षों से कर रहे हैं और आपका थोड़ा अनुभव शेयर करें। कम से कम 3-4 वर्ष हो गए हैं मेरे को मूंग की खेती करते हुए। अभी तक आपने सबसे हाईएस्ट मूंग का उत्पादन कितना लिया है? मैंने हम 16 लगाई थी पिछले साल 1 एकड़ में जी, तो उसका उत्पादन मेरे को 9 क्विंटल मिला था। 9 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। इस साल भी आपने हम 16 लगाई है क्या? इस साल भी लगाई है, 2 एकड़ में लगाई है। अच्छा, इस साइड है? हाँ, जो इस साइड जो है देखिए हम 16 है, काफी शानदार वेरायटी। आप इसका एक पौधा निकाल के दिखाए ना, ये देखिए इसमें काफी अच्छा फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है और गुच्छों में फल हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी फली भी काफी लंबी है ना? हाँ, बोल्ड दाना है इसका भी। बोल्ड दाना है। मार्केट प्राइस इसकी अच्छी रहती होगी मंडी में। हाँ, अच्छा। की तो ये भी 60 दिन की वैरायटी है। हाँ, 60-65 दिन की। अच्छा, अपन तलवार से और हम 16 में कंपेयर करें, आपकी इस तरफ तलवार लगी हुई है और इस तरफ आपने हम 16 लगाया है, तो अपन दोनों वैरायटी में कंपेयर करें रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो सबसे अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता किस वैरायटी में? सबसे मेरे को जे हम 16 जो है इसमें बहुत अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हाँ, मतलब जो इल्ली आती है मूंग की फसल में, वाइट फ्लाई आती है, रस्ट यूसे कीटों का अटैक होता है। अच्छा, बाइबीएम जो पीला मोजेक है उसका अटैक होता है, तो यह तलवार में कहीं कहीं बाइबीएम का अटैक भी दिख रहा है। हाँ। लेकिन इस हम 16 में अभी एक भी पौधा ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें कि येलो मोजेक का अटैक हो। तो यह वैरायटी आपके हिसाब से यदि सही से
मैनेज कर ले किसान तो 9 से 10 क्विंटल तक का उत्पादन निकाल सकता है अच्छे से अगर मैनेज कर ले इसको, इसको समय समय पे पानी मिल जाए और समय समय पे स्प्रे। वैरायटी कितने पानी में तैयार हो जाती है? कम से कम 5 पानी तो इसको चाहिए, 4-5 पानी में कंप्लीट हो जाती है जी। अच्छा, इसमें आपने स्प्रे का शेड्यूल कैसा रखा था, कितने स्प्रे किए? इसमें मैंने 3 स्प्रे किए हैं। 3 स्प्रे किए हैं? 3 स्प्रे किए हैं इसमें मैंने, उसके बाद ये रिजल्ट दिख रहा है जो भी। तो किसान साथियों, ये है हम 16, काफ़ी शानदार लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और गुच्छों में इसमें भी फल हैं। इसका पौधा काफ़ी शानदार है, ब्रांचें ज़्यादा निकली हैं और जितनी भी ब्रांचें हैं उनमें सब में गुच्छों में फल है, और हाइट भी अच्छी ली हुई है इसने। और इसका उत्पादन किसान भाई बता रहे हैं 9 क्विंटल से ज़्यादा है। इनकी हार्वेस्टिंग होगी उस दिन भी हम इस फील्ड को कवर करने वाले हैं, तो आपको जब हार्वेस्टिंग होगी तब भी दिखाया जाएगा कि उत्पादन कितना निकला है। और ए वैरायटी है तलवार, इसमें भी फ्रूटिंग अच्छी हुई है, फल का साइज भी अच्छा है, दाना बोल्ड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये बाईबीएम एलो मोजक की समस्या देखने को मिल रही है। आने वाले समय में यह वैरायटी हो सकता है कि फेल हो जाए। और इसका उत्पादन अभी किसान साथी ने पहली बार लगाई है, तो उत्पादन हम अभी कंपेयर ही कर रहे हैं कि 6 से 7 क्विंटल तो आ ही जाएगा, लेकिन इसका जब हार्वेस्टिंग होगी तो हम वो भी आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और यह वैरायटी इस तरफ जो है ये हम 16 है। तो सोमेश जी, आप थोड़ा सा हमारे मूंग के किसान जो हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि मूंग की खेती आज के समय में फ़ायदेमंद है, या केमिकल खेती जो कर रहे हैं रासायनिक खेती, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, मूंग की खेती तो फ़ायदेमंद है कृषक के लिए, क्योंकि ये बहुत कम समय की फसल है, कम से कम 2 महीने से मतलब 60 से 65-70 दिन में कंप्लीट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, और अच्छा खासा मुनाफा इसमें किसान भाइयों को प्राप्त होता है। तो मूंग की खेती तो करनी चाहिए, और मूंग तो बहुत ज़रूरी है लगाना आज के। हाँ, एक अलग किसान को एक आर्थिक सहायता प्रदान करता है, क्योंकि ये इस समय आता है जब किसान के पास पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता। जाए तो, और बरसात का जो सीजन आता है तो उस समय यह है किसान को एक संबल प्रदान करती है। अच्छा, संबल। आज हम देख रहे हैं कि लगातार हम अपनी खेतों में मूंग की फसल तो बहुत से किसान साथी हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़े क्षेत्रफल पे हो रही है, इसमें केमिकल का यूज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए थोड़ा? नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये दलहनी फसल है जो कि अपने यहाँ पर मुख्य फसल के रूप में अपनाई जाने लगी है, और इसमें तो केमिकल का कम से कम उपयोग होना चाहिए। लोगों को प्राकृतिक खेती की तरफ जाने का समय है, जाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि यह दाल है, अपन दाल खाते हैं, उसमें जो केमिकल रहता है वो कहीं ना कहीं आगे चल के इसका शरीर पर प्रभाव तो पड़ेगा। मिट्टी भी खराब हो रही है, तो प्राकृतिक खेती तो ज़रूरी है। इसके लिए कोई विकल्प, बहुत से विकल्प है अगर कोई किसान भाई करें। हाँ, आप भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, जैसे कि अभी हमने देखा आपके यहाँ पे जो जैव रसायन वगैरह हैं ये सब आपने इसमें भी यूज किया है, सड़रस का, जैव रसायन का, बल्ब रसायन भी डाला आपने, अभी लास्ट स्प्रे किया है, तो उसका भी इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसान साथियों से कि हम थोड़ा प्राकृतिक खेती की ओर जाएं, और धीरे धीरे हम अपने स्प्रेइंग शेड्यूल में या खाद उर्वरक में प्राकृतिक जो खाद हैं, प्राकृतिक जो स्प्रे के शेड्यूल हैं उनको अपनाएं, और अच्छा से अच्छा उत्पादन लेके आएं। इसका जो उत्पादन है इस फील्ड का, वो हम बहुत जल्द आपको जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि इस फील्ड से कितना उत्पादन आया है, और आगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड सोमेश जी अपना एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो वो भी हम दिखाएंगे कि कौन सी फसल करने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ